और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तराखंड पुलिस को रिसेप्शनिस्ट का शव मिल गया है। एसडीआरएफ की टीम को चीला पावर हाउस में डेड बॉडी मिली है, शव की शिनाख्त हो गई है। आरोपियों ने रिसेप्शनिस्ट को चीला नहर में ही फेंका था और ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड मामले में रिसेप्शनिस्ट का शव बरामद हो गया है, एसडीआरएफ की टीम को चीला पावर हाउस में डेड बॉडी मिली है और शव की शिनाख्त भी करा ली गई है। आरोपियों ने रिसेप्शनिस्ट को चीला नहर में ही फेंका था। तीन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है। 18 सितंबर से लड़की गायब थी, लगातार पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लोगों का गुस्सा भी उन आरोपियों पर जमकर फूटा, जिसके बाद बड़ी पुलिस कार्रवाई भी हुई। आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चलाया गया, कल देर रात वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये कि उत्तराखंड पुलिस को रिसेप्शनिस्ट का शव मिल गया है, एसडीआरएफ की टीम को चीला पावर हाउस में डेड बॉडी मिली है, शव की शिनाख्त हो गई है। आरोपियों ने रिसेप्शनिस्ट को चीला नहर में ही फेंका था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चीला पावर हाउस की, जिस वक्त शव बरामद किया गया। एसडीआरएफ की टीम लगातार शव की तलाश कर रही थी, शव को बरामद करने की कोशिश कर रही थी और ये तस्वीरें चीला पावर हाउस की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर शव बरामद किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बरामद किया है और शिनाख्त भी शव की करा ली गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं उत्तराखंड मामले से जुड़ा हुआ। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को चीला नहर में ही फेंका था और लगातार एसडीआरएफ की टीम चीला नहर में तलाश कर रही थी और चीला पावर स्टेशन में शव बरामद हुआ। इसके पहले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। आरोपियों की तरफ से ही जानकारी मिलने के बाद तलाशी अभियान को और तेज किया गया और इस बीच बीजेपी नेता के आरोपी बेटे के रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चलाया गया। चार अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दिन के बाद शव बरामद हुआ है, नहर से शव मिला, चीला पावर स्टेशन में शव बरामद हुआ और इस बीच कल आरोपी के रिजॉर्ट पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। और चौथी बीजेपी के नेता के बेटे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस पर यह पूरा आरोप है और लोगों का गुस्सा भी कल इस पर फूटा जब पुलिस पेशी के लिए इसको लेकर जा रही थी। लोगों ने जीप घेर ली, जमकर तोड़फोड़ की, कपड़े तक फाड़ दिए आरोपियों के। और ये बड़ा अपडेट उत्तराखंड से, जहां पर रिसेप्शनिस्ट का शव 5 दिन के बाद बरामद कर लिया गया है। आरोप पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी, क्योंकि मामला पहले राजस्व पुलिस के पास पहुंचता है, वहां पर हीलावाली होती है, बाद में लोकल पुलिस को ट्रांसफर किया जाता है, फिर पुलिस की कार्रवाई में थोड़ी तेजी दिखाई देती है और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड मामले से जुड़ा हुआ, जहां पर रिसेप्शनिस्ट का शव बरामद कर लिया गया है, नहर से शव मिला है, चीला पावर स्टेशन के पास शव मिला है और उसके पहले आरोपी के रिजॉर्ट पर कल बुलडोजर भी चला दिया गया और 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें बीजेपी नेता का बेटा भी शामिल है जिसका रिजॉर्ट है और तमाम आरोप उस पर लग रहे हैं और उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। कल लोगों का गुस्सा भी फूटा, जीप को घेर कर चारों तरफ से लोगों ने आरोपियों के कपड़े फाड़े, उनकी पिटाई की। हालांकि पुलिस ने किसी तरीके से उनको वहां से निकाला था। और अब बड़ा अपडेट ये, लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था शव को बरामद करने के लिए और आज सुबह एसडीआरएफ की टीम ने शव को चीला पावर स्टेशन से बरामद किया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अभी तक का पूरा अपडेट क्या मिल पाया है, बॉडी आप लोगों ने रिकवर कर ली? देखिए, हम कल से प्रयासरत थे क्योंकि जब केस वर्कआउट किया गया था तो अभियुक्तों द्वारा बताया गया था कि उनके द्वारा बॉडी जो है इस चीला नहर में डाल दी गई है। तो कल से हमारी एचआरएफ की टीमें खोज रही थी, आज प्रातः हमें सफलता मिली है कि ये बॉडी रिकवर हो गई है। अब आगे की जो कार्रवाइयां होती हैं, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम वगैरह, वो सब कराया जा रहा है। जी सर, एक और सवाल उठ रहे हैं कि पहले मामला राजस्व पुलिस के पास पहुंचता है, लोकल पुलिस बाद में इन्वॉल्व होती है, इसलिए काफी टाइम निकल गया सर, इसमें क्या कुछ कैसे आप जानकारी दे पाएंगे? देखिए, क्या होता है कि यहाँ का सिस्टम है पहाड़ों में कुछ पुराना चला आ रहा है, क्योंकि पहले कई 100 किलोमीटर तक थाने नहीं होते थे तो पटवारी ही पुलिस की व्यवस्था देखता था। तो उस तरह की व्यवस्था में था तो उसको समझ नहीं आया होगा, मतलब वो समय से पुलिस को थोड़ा आने में टाइम लगा, पुलिस को ट्रांसफर किया जिलाधिकारी ने जब मामला आया संज्ञान में उनके, तो पुलिस के संज्ञान में आते ही एक दिन हमने केस को वर्कआउट कर दिया है जी। और सस्पेंड उसको, वैसे पटवारी को जो है सस्पेंड कर दिया गया, ये बताया गया जी। सर, अभी तक की आप लोगों की जांच में पूरी बात निकल कर क्या रही है, क्यों हत्या की गई, क्या वजह रही? देखिए, अभी जो प्राइमरी फैसला ऐसा लग रहा है जो वो है कि उसको उसने अभी हाल ही में ज्वाइन किया था रिसोर्ट को और उससे गलत काम कराने का कहीं ना कहीं दबाव था उसके ऊपर, ऐसा अभी तक के साक्ष्यों से लग रहा है। बाकी गहन विवेचना के लिए SIT PM महोदय के निर्देश पे SIT गठित की जा रही है DIG की अध्यक्षता में और विवेचना को पूरी गहराई से करेंगे।
सर, लोगों में बहुत गुस्सा है उत्तराखंड के, कल भी जिस तरह से पेशी के दौरान जो कुछ हुआ लोगों की नाराजगी लगातार दिख रही है, ऐसे में इस तरह के जितने रिजॉर्ट्स हैं उसको लेकर कुछ कदम आप लोग उठाने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया इस घटना के बाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दिए हैं कि सभी रिसोर्ट्स की जांच कराई जाए अगर कहीं पे कोई गलत काम है तो, और जैसा मैंने कहा जी कि अपराधी थे तो अपराधी ने अगर उन्होंने काम किया, गलत काम किया है तो उनको पूरी सजा दिलाई जाएगी, और हमने उनको तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अगर बाकी कोई और भी होगा तो उसके लिए हम पूरी DIG की अध्यक्षता में SIT बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। सर, एक आखिरी सवाल, जल्द इंसाफ मिले इसके लिए क्या कुछ आप लोग करेंगे, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है, कैसे इंश्योर करेगी पुलिस कि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाए? बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास होगा कि सारे साक्ष्य अर्लीस्ट इकट्ठे करके कोर्ट में पेश किया जाए, और आजकल तो कानून में भी वो आ गया है कि ट्रायल भी इसमें फास्ट ट्रैक में होते हैं, तो जल्दी इंसाफ मिलेगा जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है जी। बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड पुलिस के बड़े अधिकारी को जो तमाम बातें कह रहे थे, और उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले में पूरी तरीके से पुलिस इंश्योर करेगी कि जल्द से जल्द इंसाफ हो, और अभी तक जो पूरी जांच में बात निकल कर आई है कि रिसेप्शनिस्ट के ऊपर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था और इसी बात की नाराजगी को लेकर झगड़ा हुआ था और तब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि आरोपी अब पुलिस के कब्जे में है और लगातार पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है। बॉडी रिसेप्शनिस्ट की रिकवर हो गई है, चीला नहर से रिकवर हुई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह बॉडी को रिकवर किया गया, शिनाख्त हो गई है, अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाएगा, आगे की तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन इस बीच लोगों में बहुत गुस्सा नजर आया, और लोगों का गुस्सा साफ तौर पर ये क्योंकि रिजॉर्ट्स कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है उत्तराखंड के अंदर, और तमाम घरों के लोग, बच्चे, लड़कियाँ वहाँ जाकर काम करते हैं, ऐसे में सबकी चिंता बढ़ी हुई है कि अगर इस तरह की घटनाएं भविष्य में सामने आती हैं तो कल को किसी और के परिवार का भी, परिवार में भी इस तरह का कोई हादसा, कोई दुर्घटना देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा नजर आया। कल जब पेशी के लिए आरोपियों को लेकर जाया जा रहा था तो पुलिस की गाड़ी को बाकायदा भीड़ ने घेर लिया और उसके बाद तोड़फोड़ की, आरोपियों के कपड़े फाड़े, उनकी पिटाई की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।